Hello students, today we going on chemical kinetics unit lecture number 10. Here we studied activation energy जिसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं. In a chemical reaction, reactant react with one another to produce their products. But when we goes on the mechanism of chemical reaction, we know that energy is the main factor for the formation of their products. अभिकारक अणुओं के पास जब पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उपस्थित हो और वह ऊर्जा उपस्थित हो जो उस रिएक्शन में एक एनर्जी बैरियर स्टैंडर्ड हो और उसे क्रॉस करे, देन वे उस प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी रखते हैं. तो इन सारे केसेस को माइंड मेकअप करते हुए एक ग्राफ डायग्राम के माध्यम से एक्टिवेशन एनर्जी को, सक्रियण ऊर्जा को डिफाइन करेंगे. देन इसके टर्म कंडीशंस पॉइंट्स का डिबेट करेंगे. इन दिस ग्राफिकल डायग्राम अ एनर्जी बैरियर इज प्रेजेंट और प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए, रिएक्शन के कंप्लीट होने के लिए एक एनर्जी बैरियर होता है. तो जब रिएक्टेंट उस एनर्जी बैरियर स्टैंडर्ड को क्रॉस करते हैं, देन उनमें प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन की कैपेसिटी आती है. तो वे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जिनमें एनर्जी का जो स्टैंडर्ड है वह है थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहली ऊर्जा के बराबर हो या उससे अधिक हो, देन उनमें रिएक्टेंट में कैपेसिटी हो जाएगी कि वे रिएक्ट करें और न्यूली प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करें. तो रिएक्शन में वे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे जिनमें एनर्जी स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे अधिक होता है, वे ही आपस में कोलिजन करते हैं और उनकी टक्कर द्वारा जो अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है उसके द्वारा प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है. तो कई बार रिएक्शंस में इसीलिए हमें एक्सटर्नली एनर्जी की आवश्यकता होती है, बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर उन रिएक्टेंट का एनर्जी स्टैंडर्ड इतना इंक्रीज किया जाए कि वे उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करें, देन प्रोडक्ट का इजिली फॉर्मेशन कर सके. इन दिस ग्राफ E ऑफ रिएक्टेंट अभिकारक पदार्थों की ऊर्जा और स्टैंडर्ड एनर्जी, स्टैंडर्ड इतना हो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए, देन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने की कैपेसिटी हो, देन रिएक्टेंट आर रिएक्ट विथ वन अनदर टू फॉर्म देयर प्रोडक्ट्स और इस तरह से उत्पाद का फॉर्मेशन करते हैं. हियर डेल्टा ई इज द हीट इवॉल्व्ड इन द रिएक्शन एंड ई ए इज सिंबलाइज्ड फॉर द टर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. सो एज ए डेफिनेशन, वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो ऊर्जा अवरोध पार करके अभिकारक अणुओं के उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है. थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने थ्रेशोल्ड एनर्जी का डिस्कशन किया है, देन हेयरली रिपीट करें. इन अकॉर्डेंस टू कोलिजन थ्योरी, फॉर अ रिएक्शन टू टेक स्पेस द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पास बाय द मॉलिक्यूल्स फॉर एफेक्टिव कोलिजन्स इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी. So by the basis of threshold energy, we define activation energy. The minimum amount of energy absorbed by reactant molecules such that this energy becomes equal to the threshold energy, thereby undergoing effective collisions for a reaction to take place is called activation energy.
सक्रियण ऊर्जा को या एक्टिवेशन एनर्जी को मैथमेटिकली ई ए सिंबल द्वारा प्रदर्शित करते हैं. सो वी रिप्रेजेंटेड इट्स फॉर्मूला द एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑल्सो सिंबलाइज इन देयर सिंबल्स ई ए एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल्स टू ई थ्रेशोल्ड माइनस ई रिएक्टेंट्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु फॉर एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू जितना लोवेस्ट होगा एक्टिव मॉलिक्यूल्स का नंबर उतना ही अधिक होगा, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर देन हायर. सेकेंड पॉइंट, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मॉलिक्यूल्स का कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज होगा और जिसके फलस्वरूप रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा. फॉर फर्स्ट रिएक्शन द ईए स्टैंडर्ड इज लोवेस्ट. तीव्र अभिक्रियाओं के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है, जबकि स्लो रिएक्शंस के लिए, मंद अभिक्रियाओं के लिए एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा का वैल्यू हायर होता है या अधिक होता है. इन द सेंस ऑफ आरहेनियस इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को डेरिवेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बट एक्टिवेशन एनर्जी के संबंध में सिंपली वी डिफाइन इट कि थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी दहली ऊर्जा और मॉलिक्यूल्स की नॉर्मल स्टेट में एनर्जी का जो डिफरेंस है वही उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है. तो सक्रियण ऊर्जा को और वन वर्ड में यहां डिफाइन किया कि दहली ऊर्जा तथा अणु की सामान्य अवस्था में ऊर्जा का अंतर सक्रियण ऊर्जा कहलाता है. और अकॉर्डिंग टू आरहेनियस इक्वेशन इसे निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं, लॉग के टू अपॉन के वन इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 आर इन ब्रैकेट टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन इंटू टी टू. तो इस तरह विभिन्न तापों पर, सपोज दैट यहां टी वन टी टू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो विभिन्न तापक्रमों पर अगर हमें के वन और के टू के वैल्यूज कंफर्म हो तो इनकी हेल्प से हम उस इक्वेशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं. सो वी कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी विद द हेल्प ऑफ गिवन क्वेश्चन. फॉर अ केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज 290 केल्विन टू 300 केल्विन, देन द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डबल्स. कैलकुलेट इट्स एक्टिवेशन एनर्जी. एक रासायनिक अभिक्रिया में ताप वृद्धि 290 केल्विन से बढ़ाकर 300 केल्विन कर दी जाती है, देन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है. तो इस अभिक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए. आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है आपको 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स एंड लॉग टू मैथमेटिकल वैल्यू दी है 0.3010. सबसे पहले गिवन वैल्यूज नोट कर लें. टेम्परेचर टी वन का वैल्यू है 290 केल्विन एंड टी टू इक्वल्स टू 300 केल्विन. आर का वैल्यू दिया है, लॉग टू का वैल्यू दिया है, टी वन और टी टू का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया है और ई ए एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है. देन
कह रहा था रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डबल, तो इसके लिए पहले हम फॉर्मूला रिप्रेजेंट करें, देन रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करें कि कैसे इसकी वैल्यू को लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू आरहेनियस इक्वेशन लॉग K2 अपॉन K1, और अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट टर्म में और उस फॉर्मूले को व्यक्त किया था आरहेनियस इक्वेशन के संदर्भ में, उसी रिएक्शन की मदद से, उसी फॉर्मूले की मदद से यहां वैल्यूज हमें पुटअप करने, इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस लैंग्वेज सेज दैट द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डबल, देन जो रेट रिप्रेजेंट करते हैं वो K से है, तो अर्थात इस रिएक्शन के लिए K2 अपॉन K1 का वैल्यू डबल हो रहा है, इसका मतलब 2 हो रहा है, तो K2 और K1 का वैल्यू 2 शिफ्ट करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो भी वैल्यूज गिवन है उनका वैल्यू पुट अप करते हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं, इक्वेशन बनेगी लॉग K2 K1 का वैल्यू 2 है, इसे 2 कर लेंगे, 2 इक्वल्स टू EA फाइंड आउट करना है अपॉन 2.303 इंटू R का वैल्यू आपको दे रखा है यहां जिस यूनिट में वही रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि हमने इसे स्टेट ऑफ मैटर के संदर्भ में दूसरी यूनिट में भी रिप्रेजेंट किया था, बट जैसा क्वेश्चन दे रहा है वही वैल्यू शिफ्ट करेंगे, 8.314 इन ब्रैकेट T2 का वैल्यू है 300 केल्विन माइनस T1 का वैल्यू है 290 केल्विन अपॉन T1 290 इनटू T2 300। अकॉर्डिंग टू वैल्यू इसे सॉल्व करेंगे, लॉग 2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है आपको 0.3010, एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है 2.303 में से R का वैल्यू मल्टीप्लाई कराएंगे, देन वैल्यू मिलेगी 19.147 इनटू 300 केल्विन में 290 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, और T1 T2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 87,000 वैल्यू मिलेगी। तो अब इस इक्वेशन की हेल्प से एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है, देन EA इक्वल्स टू लॉग 2 का वैल्यू 0.3010 इनटू 19.147 इनटू 87,000 अपॉन 10। सो कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देन वैल्यू मिलेगी 501402.49 अपॉन 10। देन आफ्टर कैलकुलेशन एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू मिलेगा 501402.49 जूल मोल इनवर्स, या इसे रिप्रेजेंट करें EA इक्वल्स टू 50.140 किलो जूल मोल इनवर्स। केवल यूनिट का चेंज है, या तो इस यूनिट में रिप्रेजेंट करें जूल पर मोल में, या इसे किलो जूल मोल इनवर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
एग्जामिनेशन से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है ये. व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी. सैट नोट्स में जब इसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा देन आप विथ द हेल्प ऑफ ग्राफ इसे एक्सप्लेन करें, डेफिनेशन लिखें और इसकी टर्म कंडीशन बताएं. एंड द केस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी आर बिलोंग देयर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सो उनको एक्सप्लेन करें और न्यूमेरिकल्स मैंने बता ही दिया आपको. तो आज की क्लास में हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड सभी टर्म्स को फुल्ली रीड किया है और फॉर्मूले का बेस्ड जो क्वेश्चंस था उसको भी सीख लिए हैं. और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोलिजन थेसिस का स्टडी करेंगे और उसके आधार पर आरिनियस इक्वेशन को पढ़ेंगे. कुछ टर्म टेक्सा न्यू यहां पर होंगे, एक्सप्लेन करेंगे इनको भी. और जानकारी करा दूं कि जो टर्म्स शॉर्ट हुए हैं उन्हें भी मैं आपको यहां स्टडी इसलिए करा दे रहा हूं कि आपका टॉपिक फुल्ली कंप्लीट हो जाए, कोई बेसिक चीजें नहीं मिस करें. और बाद में फिर आपको मैं क्लास में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या हमें यहां सॉल्व करना है. तो यहां से हमें लगभग एक्टिवेशन एनर्जी के सभी केसेस को कंप्लीट कर चुके हैं. एक्टिवेटेड कंपाउंड्स के लिए भी किसी केमिकल रिएक्शंस में जब कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हो देन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो उनके लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं और अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा ई कैलकुलेट करते हैं, अर्थात उस उष्मीय परिवर्तन का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जहां पर हम उसे डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं. और डेल्टा ई के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं देन डेल्टा ई इक्वल्स टू ई ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस ई ऑफ देयर रिएक्टेंट्स, या शॉर्टली इसे ई टू माइनस ई वन द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए और अगली क्लास में बने रहिए अगले टॉपिक को स्टडी करने के लिए.